इस्तकामत का मतलब यह है कि हालात को देखकर हुक्म न छोड़ो, हालात को देखकर रास्ता न छोड़ो। लोग हालात से रास्ता छोड़ते हैं, तो जो हालात से रास्ता छोड़ देते हैं उनके हालात और बिगड़ते हैं, हालात और बिगड़ते हैं। जी हाँ, ये भी नहीं कि भाई वक्त पर हम छोड़ रहे हैं, मुस्तकिल नहीं छोड़ रहे हैं, हम तो वक्त को छोड़ रहे हैं, नहीं। क्योंकि हालात में अगर वक्त पर भी काम छोड़ दिया तो मुस्तकिल छोड़ना पड़ेगा। इनके काम को छोड़ना हालात का हल नहीं है, हालात में काम करना ये हालात का हल है। इसलिए इस्तकामत इसको नहीं कहते कि आदमी अच्छे हालात में काम करे, इस्तकामत जिसे कहते हैं कि रुकावटों में काम करे, रुकावटों में काम करे। वरना अच्छे हालात में तो मुनाफिकीन भी इस्तकामत से चलते थे। हाँ अब देखो ना, इसे देखो सीरत में मुनाफिकीन साथ देते थे, इसमें अच्छे हालात में, बुरे हालात में वो पीछे हो जाते कि नहीं हम इधर हालात ठीक नहीं है, बाद में करेंगे। हाँ, अच्छे हालात में तो कौन करते थे, मुनाफिकीन भी करते थे, तो ईमान वालों का क्या कमाल है। जी हाँ, ये तो बहुत सी बात है, आसान सी, कि जिस उम्मत के नबी को जांचा गया है हिल में, बुर्दबारी में, सब्र में, तो क्या उस नबी की उम्मत को नहीं जांचा जाएगा बगैर जांच के, बगैर इम्तिहान के, बगैर इब्तिला के? सब ऐसी दाई बन जाएंगे, सब ऐसे ही दाई बन जाएंगे। जी हाँ, दावत काम क्या नहीं, हमको तुम्हें सबको आजमाएंगे, अल्लाह ये अल्लाह का फैसला है, सबको आजमाएंगे। जी हाँ, सबको आजमाएंगे, जो आजमाइश में पार उतरेंगे हम उन्हें कबूल करेंगे, मुंतखब करेंगे।